आज की क्लास में हम सैलरी के कुछ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. इन द लास्ट क्लास ऑफ सैलरी हमने वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार सीखा था, विच वाज द लास्ट परक्विजिट और द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सैलरी टू बी कवर्ड ऑफ. हम पिछले 10, 11, 12 क्लासेस में सैलरी के एक एक एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो अलाउंसेज हो या रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो या परक्विजिट्स हो. उसके रूल्स डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, न्यूमरस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं. तो अब हम लोग फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. व्हाइल रीडिंग आउट द क्वेश्चन आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होना है, एंड देन वी विल सॉल्व इट एट द एंड. सो देखते हैं पहला क्वेश्चन. मिस्टर एक्स के इनकम की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं. सैलरी, बेसिक सैलरी थी उनकी 15,000 पर मंथ. सो अगर एक महीने की 15,000 है, पूरे साल की हम 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे. कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एट द रेट ऑफ 14% पर 14% ऑफ सैलरी. सबसे पहले आरपीएफ क्या होता है? रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड. हम तीन टाइप के प्रोविडेंट फंड पढ़ चुके थे, स्टैचुटरी, अनरिकग्नाइज एंड रिकग्नाइज. जिसमें स्टैचुटरी और अनरिकग्नाइज का ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीटमेंट होता था, बट फॉर रिकग्नाइज वी हैड स्टडीड कि 12% से ज्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, तो वट एवर अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ 12% शैल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन इट इज पेबल, राइट. तो यहाँ पर 2% जो ज्यादा पे किया जा रहा है पीएफ अकाउंट में, वो अभी के अभी टैक्सेबल होगा. किसका? एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉयर का तो ओनली ड्यूरिंग व्हेन इट मच्योर्स, यानी ऑन रिटायरमेंट मच्योर होगा तभी टैक्सेबल होगा. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ अकाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम रुपीज 18,000. पीएफ अकाउंट में 12% के हिसाब से इंटरेस्ट गया है. और हमने आरपीएफ से रिलेटेड क्या रूल पढ़ा था कि आमतौर पर 9.5% तक का इंटरेस्ट अलाउड है. अगर 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो जो भी अमाउंट ज्यादा है दैट शुड बी टैक्सेबल देन एंड देयर इटसेल्फ. तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी 2.5% जो एक्सेस है, 9.5 होना चाहिए और 12% है. सो जो डिफरेंस है 2.5% का, वो भी टैक्सेबल होगा. मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है पीएफ के लिए, ये हम कर चुके थे सेम एज कॉलम नंबर 2, यानी कि जो एचआरए के लिए होती है, यानी कि बेसिक प्लस डीए, ओनली दैट डीए व्हिच इज Includable for retirement benefits and commission based on turnover. तो इस क्वेश्चन में DA और commission based on turnover तो दिया नहीं है, तो हम सिर्फ basic के basis पे निकाल देंगे. अच्छा, इसी क्वेश्चन में बच्चों मान लो अगर RPF की जगह SPF या URPF होता, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते? जब मैं आपको PF पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि फिर RPF, sorry, URPF या RPF या SPF कोई भी हो, ये हमेशा अज्यूम किया जाता है कि वो बेसिक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ग्रॉस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है. आरपीएफ का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ हम तभी करते हैं जब रेट जो है वो 12% या 9.5% का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली, अगर उससे ज्यादा हो तो. अगर ये भी 12% के लिमिट में होता या इंटरेस्ट उसका 9.5% के लिमिट में होता, तो हम इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, ठीक है. Then excess provided by employer with a rent-free house in Delhi of the annual value rupees 13,000. Annual value बोली गई है यहाँ पर, rent नहीं बोला गया. जब rent नहीं बोला गया है, तो जाहिर सी बात है कि घर किसका है? ये घर employer का है, owned by the employer है, जिसकी कीमत 30,000 है. तो हमें कीमत से मतलब नहीं है, rent charges होता तो definitely मतलब होता. So RFA यानी रहने के लिए जब घर दिया जाता है और owned by the employer है वो घर, तो हम क्या रूल अप्लाई करते हैं? हम पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं. अब क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं, इससे पॉपुलेशन क्या होगा? 25 लाख से ऊपर होगा. सो हमारे तीन रेट्स थे, व्हेन द पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख्स, व्हेन द पॉपुलेशन इज बिटवीन 10 लाख्स एंड 25 लाख्स, एंड फाइनली व्हेन द पॉपुलेशन इज बिलो 10 लाख्स. सो फर्स्ट केस में 15%, दूसरे में 10% और तीसरे में 7.5% लगता था. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो हियर. यहाँ पर 15% लगेगा सैलरी के ऊपर, और सैलरी की क्या अमाउंट होगी? आरएफए के लिए सैलरी की वैल्यू होती है एवरीथिंग. एवरीथिंग बोले तो बस परक्विजिट्स का पैसा अगर हटा दिया जाए, तो बाकी सब कुछ ही आता है उसमें, बेसिक, डीए, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ऑल द अलाउंसेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. एक्स पेड रुपीज 600 एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट.
एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये हमने कहीं पे पढ़ा था, याद करिए सेक्शन 16, सेक्शन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोफेशनल टैक्स पढ़ा था. प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? प्रोफेशनल टैक्स अगर पे किया है एम्प्लॉय ने, तो वो जिस साल भी पे किया है, चाहे वो पास्ट ईयर का हो या फ्यूचर ईयर्स का हो, उसको डिडक्शन मिलती है इस अमाउंट की. सो यहाँ पर भी जो 600 रुपीज़ इन्होंने पे किया है, इसको ग्रॉस सैलरी में से, ग्रॉस इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाएगा. सो लेट्स कनेक्ट द राइटिंग पैड और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So these are the elements of this question which I had noted down already. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं. इस क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ था 15,000 हर महीने का, तो पूरे साल भर का कितना हो गया? 1,80,000. 1,80,000. नेक्स्ट जो पार्ट था वो था आरपीएफ 14% पे और इंटरेस्ट था 12% पर. अब आरपीएफ में हम जो सैलरी लेते हैं वो लेते हैं बेसिक प्लस डीए अंडर द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर. सो क्योंकि इस क्वेश्चन में डीए और कमीशन नहीं दिया हुआ है, सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक अब कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ जो है वो 12% तक अलाउड है, और जो भी 12% के ऊपर होता है वो अभी के अभी चार्जेबल होता है. सो ऊपर कितना है? 2% एक्स्ट्रा है. सो 2% ऑफ 1,80,000 शुड बी टैक्सेबल नाउ, जो कि आ रहा है हमारा 3600 रुपए. नेक्स्ट दिया था इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ. इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 12% के हिसाब से दिया गया है और 18,000 रुपए है. हमें पता है कि इंटरेस्ट जो है वो 9.5% तक अलाउड है. सो जो भी एक्सेस है यानी कि 2.5% वो टैक्सेबल होगा. अब 2.5% ऑफ व्हाट? 2.5% ऑफ द इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन टू बी 18,000. ये देखो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 18,000 है. तो 2.5% हमें निकालना है 18,000 का, और ये जो 18,000 है ये 12% के हिसाब से है. तो अगर 12% के हिसाब से 18,000 है तो इसका 2.5% कितना होगा? ये फिगर निकालते हैं 3,750. अब ये जो अमाउंट है ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का था, इसलिए इसको अभी के अभी टैक्सेबल कर लिया हम लोगों ने. नेक्स्ट देखते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन. रेंट फ्री एकोमोडेशन क्योंकि दिल्ली में है, रेंट फ्री एकोमोडेशन क्योंकि दिल्ली में है, इसलिए हम 15% के हिसाब से इस पे लगा देंगे. और 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ऑल दी अलाउंसेस. बट क्योंकि इस क्वेश्चन में वो सारे एलिमेंट्स नहीं हैं, इसलिए हम सिर्फ बेसिक को लेंगे, यानी 15% ऑफ 1,80,000, which comes out to be 27,000, right? बस छोटा सा क्वेश्चन था. एक लास्ट इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में. आरएफए का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, एनुअल वैल्यू 3,000 का, ये इररेलेवेंट है हमारे लिए, हमें इससे कुछ नहीं करना. एक लास्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि है एम्प्लॉयमेंट टैक्स. अब ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है ये ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन दी जाती है. सो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ रही है हमारी 1,80,000 प्लस 3,600 प्लस 3,750 प्लस 27,000. दैट्स 214,350. इसमें से हम अंडर सेक्शन 16 प्रोफेशनल टैक्स या स्टेट टैक्स को डिडक्ट कर देंगे, जो कि 600 रुपए है. तो फाइनली टैक्सेबल सैलरी वुड अमाउंट टू
213750। वैसे इसमें से डिडक्शन भी होती हैं, बट डिडक्शन जो है वो हम टोटल सैलरी में, टोटल इनकम में एक साथ सीख लेंगे, क्योंकि डिडक्शन अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में डिडक्शन का एलिमेंट नहीं डाला है। अभी आप बस सैलरी कैलकुलेट करना सीख जाएं, यही ऑब्जेक्टिव है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें सैलरी कहा गया है मिस्टर एक्स का, जो कि एक सोल प्रोप्राइटरी फॉर्म में काम करते हैं, उनका सैलरी था 10,000 रुपए हर महीने का, डीए था उनका 2,000 रुपीज हर महीने का, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था आरपीएफ में 12% सैलरी। अब देखो 12% तक सैलरी तक का कंट्रीब्यूशन जो है वो अलाउड है, चाहे आरपीएफ हो या कोई और भी हो, कोई और होता तो हम बल्कि उसको इग्नोर ही कर देते क्योंकि वी अज्यूम इट टू बी ऑलरेडी इंक्लूडेड। आरपीएफ के केस में ये 12% और 9.5% का रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर क्योंकि 12% है तो इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। वहीं हम डीए देखे तो डियरनेस अलाउंस हमें दिया हुआ है ₹2,000 पर मंथ, लेकिन ये जो डियरनेस अलाउंस है ये वेदर इट इज इंक्लूडेबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स और नॉट, ये बात क्वेश्चन में नहीं बताई गई है, राइट? और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है कि वेदर इट इज इंक्लूडेबल इन द रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट, तो हम क्या मानते हैं कि इट इज नॉट इंक्लूडेबल। तो यहाँ पर जो डीए है वो नॉट इंक्लूडेबल इन द रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ये अजम्पशन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डीए के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दी गई हो कि वो वेदर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या वेदर फॉर्मिंग वेदर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो या ना हो, अगर नहीं दे रखी है तो हम मानेंगे कि इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, इट इज नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इट इज नॉट इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली अज्यूमिंग इट टू बी without include, without forming part of salary. Next, city compensatory allowance है 100 रुपए per month का। जब हम allowances के type पढ़ रहे थे तो हमने last पढ़ा था slide जिसमें कुछ list of ऐसे allowances पढ़े थे जो कि taxable, fully taxable in all cases होते हैं। City compensatory allowance, medical allowance, dearness allowance were one of them. They're all part of them. So, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का फुली टैक्सेबल होगा 1200 रुपए पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एट द रेट ऑफ 12%, इंटरेस्ट का क्या एक्सेप्टेबल रेट है? 9.5%। सो जो भी 2.5% एक्स्ट्रा है वो 2400 के हिसाब से हम निकाल के टैक्सेबल कर देंगे। एचआरए मिल रहा है इसको 1000 रुपए हर महीने का। अब इसको एचआरए मिल रहा है, इसका मतलब ये कंपनी ओन्ड क्वार्टर में तो नहीं रह रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वेदर रेंट देखकर कहीं पे रह रहा है कि नहीं, या फिर ये फ्री में कहीं पे रह रहा है। हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले जब एचआरए पढ़ रहे थे। एंटरटेनमेंट अलाउंस है ₹200 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में हमने पढ़ा था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 only and only for the government employees, or since Mr. X जो है वो sole proprietary firm own करता है, own नहीं करता sorry, sole proprietary firm में काम करते हैं, इसलिए entertainment allowance जो है ये include तो होगा but इस पे कोई deduction नहीं मिलेगा इनको, है ना? government employee होता तो हम deduction देते, amount received or 20% of basic salary or ₹5,000 whichever is least का rule था। Next, X has been provided with a 1800cc car with driver for both official and private purpose. The assessee pays, यानी कि X जो है, employee जो है, वही pay कर रहा है running and maintenance charges of the car. अब अगर आपको last class में ही जो हमने किया था, ये slide याद हो, तो running and maintenance जब भी employee pay कर रहा हो और partly official and partly personal के लिए होता है, तो हम cubic capacity 1600 से नीचे है तो 600 रुपए पर मंथ, और उससे ऊपर है तो 900 रुपए पर मंथ, प्लस ड्राइवर का 900 रुपए अलग से लगाते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा,
900 प्लस 900, 900 क्योंकि 1800 सीसी कैपेसिटी का कार है और 900 ड्राइवर का, 1800 रुपए हर महीने का टैक्सेबल होगा. मिस्टर एक्स सेज टू चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द स्कूल रन बाय द एम्प्लॉयर. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अलग होता है और चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी अलग होता है. यहाँ पर स्कूल इज रन बाय द एम्प्लॉयर, यानी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है. कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन पर स्टूडेंट इज 1000 रुपीज पर एनम. अब अगर आपको ट्रीटमेंट याद हो तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में जहां पर भी जो वैल्यू हो एजुकेशन की, अगर वो 1000 रुपीज के अंदर होती है तो हम कुछ टैक्सेबल नहीं करते हैं, सिर्फ वही टैक्सेबल करते हैं जो 1000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू है. सो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, दिस वुड बी निल. एक्स इज सप्लाइड विद फ्री गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज 1500 पर मंथ टू एन आउटसाइड एजेंसी. नाउ ये टैक्सेबल होगा और किस हिसाब से टैक्सेबल होगा, जितना पे किया जा रहा है कॉस्ट विच इज बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर. मिस्टर एक्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद फ्री लंच ड्यूरिंग वर्किंग डेज. वर्किंग डेज 300 दिन है और उसमें 90 रुपए का फ्री लंच मिल रहा है इनको, तो 50 रुपए तक का फ्री मील अलाउड है. उससे जो भी एक्सेस है 40 रुपए 300 दिन का वुड बी टैक्सेबल हियर. The assessee has traveled to Mumbai and the value of travel concession received from the employer for economic class air class amounted to rupees 4500. LTC leave travel concession employer kitna de sakta hai agar by air travel ho raha hai to economy class tak ka maaf hai. To yahan economy class ka ticket mila hai 4500 ka, to iska bhi koi treatment nahi hoga. Last element of the question is rent paid by the assessee for the houses he is living in Delhi is rupees 2500 per month. So upar humne na HRA dekha tha ki inko 1000 rupaye mil raha hai har mahine ka aur ye jis ghar mein reh rahe hain Delhi mein, yani ye sach mein rent dekar reh rahe hain, uska kiraya hai 2500 rupaye per month ka. So with these given informations let's attempt the question. So I'll quickly connect my writing pad. Yeah, so these are the elements of the questions jo maine note down karke rakha hai ek sheet par, and on the next sheet we are going to solve it. सबसे पहले दिया हुआ है बेसिक सैलरी है 10000 रुपए पर मंथ और डीए है 2000 रुपए पर मंथ. ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. दस हजार रुपए बेसिक है यानी साल का हो गया 1,20,000. डीए जो है वो 2000 रुपए है यानी साल का हो गया 24,000 रुपए. नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12% था आरपीएफ में. अब 12% तक तो अलाउड है तो ये इसका कोई टैक्सेबल कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस था 100 रुपीज पर मंथ, इसका नो ट्रीटमेंट. सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ जो कि फुली टैक्सेबल होता है, सो इसका 1200 रुपए हो गया. देन इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एट द रेट ऑफ 12% इज 2400. अलाउड कितना होता है 9.5%. सो व्हाट एवर इज एक्स इज दैट नीड्स टू बी टैक्स्ड हियर. व्हाट एवर इज एक्स इज दैट नीड्स टू बी टैग्ड हियर, टैक्स्ड हियर. सो 2400 रुपए अगर बन रहा है 12% के हिसाब से तो 2.5% के हिसाब से कितना बनेगा. ये एलिमेंट मैं बार बार क्वेश्चन में इसलिए डाला हुआ है ताकि आप इस आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज बच्चे मैक्सिमम गलती आरपीएफ कैलकुलेशन में ही करते हैं. 500 रुपए हो रहे हैं. नेक्स्ट है एचआरए 1000 रुपीज पर मंथ. एचआरए है कितना 1000 रुपए पर मंथ का. और एचआरए से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन लास्ट में दी हुई थी कि रेंट पेड इन दिल्ली अमाउंटेड टू रुपीज
2500 पर मंथ। अब एचआरए की जो वैल्यू है उसका हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगा बिकॉज वी नीड टू फाइंड हियर हाउ मच इज एग्जेम्प्ट। सो हम इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। वी नो लीस्ट ऑफ द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, जिसमें होता था रेंट रिसीव, सॉरी एचआरए रिसीव्ड, व्हिच इज 1000 रुपीज के हिसाब से हर महीने का 12000। नेक्स्ट होता था रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है? रेंट पेड है 2500 फॉर 12 मंथ्स। और 10% ऑफ सैलरी कितना है? सैलरी क्या होता है एचआरए के लिए? सैलरी वही होता है सेम एज कॉलम नंबर टू। और कॉलम नंबर टू क्या था हमारा? बेसिक प्लस डीए इंक्लूडेबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। इस क्वेश्चन में बेसिक तो दिया है बट जो डीए है वो साइलेंट है। जब डीए साइलेंट होता है, क्वेश्चन में नहीं बताया होता है कि वो वेदर इंक्लूडेबल है या नॉट इंक्लूडेबल है, तो मान के चलते हैं कि वो नॉट इंक्लूडेबल है, यानी यहाँ पर भी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा और क्वेश्चन में कमीशन दे ही नहीं रखा है। सो यहाँ पर 10% ऑफ सैलरी में सिर्फ हमें बेसिक लेना होगा और वो बेसिक है हमारा 1,20,000। सो दिस वुड बी 30,000 माइनस 12,000, दैट्स 18,000। और तीसरा है 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द सिटी इन विच ही और शी लिव्स। अब क्योंकि द असेसी लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ पर 50% सैलरी लेंगे हम। 50% ऑफ बेसिक दैट इज 1,10,000, 1,20,000 वुड बी 60,000। नाउ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। अब इसमें लीस्ट क्या है? 12,000, 18,000 या 60,000? 12,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल कितना होगा? अगर इतना एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना होगा? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, रिसीव्ड भी है मेरा 12,000 और टैक्स एग्जेम्प्ट भी है मेरा 12,000। सो दैट मीन्स एचआरए का इस क्वेश्चन में नथिंग इज टैक्सेबल। एचआरए का नो अमाउंट वुड बी टैक्सेबल, निल। जब ऐसा आंसर आता है ना हमारा कई बारी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सही तो कर रहे हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है एचआरए का कोई पैसा टैक्सेबल ही नहीं है। बट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम सच सर्कमस्टांसेस, सच सॉल्यूशंस डू कम। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है 200 रुपए पर मंथ का और क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है इसलिए एंटरटेनमेंट अलाउंस पर इनको कोई छूट नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल होगा 2400 रुपए। नेक्स्ट, इनको मोटर कार दी हुई है 1800 cc की, बड़ी गाड़ी दी है, ड्राइवर भी दिया हुआ है ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट पर्पस के लिए, और जो रनिंग एंड मेंटेनेंस है वो एम्प्लॉई पे कर रहा है। तो जब एम्प्लॉई पे करता है तो हमारा 600 या 900 जाता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कार। बड़ी गाड़ी है तो यहाँ पर गाड़ी का 900 रुपए हर महीने का और ड्राइवर का तो इन एनी केस 900 रुपीज पर मंथ जाता ही जाता है। तो यहाँ पर 1800 12 महीने का हमारा 21,600 रुपए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, दो चिल्ड्रन की पढ़ाई पर एम्प्लॉयर का ओन्ड स्कूल था उसमें पढ़ाया था और 1000 रुपीज था पढ़ाई का खर्चा। अब हमें पता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी में 1000 रुपीज तक अलाउड होता है, तो इसका भी क्या ट्रीटमेंट होगा? निल। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का 1500 रुपए पर मंथ का फैसिलिटी मिला है, ये टैक्सेबल होगा। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर का 1500 हर महीने के हिसाब से यानी कि 18,000 रुपए टैक्सेबल होगा। फ्री लंच मिल रहा है इनको 90 रुपए फॉर 300 डेज। अब फ्री मील सिर्फ 50 रुपए तक का अलाउड होता है, तो जो 40 रुपए एक्स्ट्रा है फॉर 300 डेज दैट वुड बी टैक्सेबल, दैट मीन्स 12,000 रुपीज़।
LTC, इनको LTC मिला था मुंबई का, इकोनॉमी एयर क्लास का, तो वो तो अलाउड है. सो LTC के भी नाम पर कुछ टैक्सेबल नहीं होगा. सो द फाइनल अमाउंट टैक्सेबल अंडर द सैलरी हेड वुड बी आफ्टर यू टोटल ऑल दीज एलिमेंट्स, ऑल दीज अमाउंट्स, 1,20,000, 24,000, 1,200, 500, 2,400, 21,600, 18,000 और 12,000. सो दैट वुड amount to 1,99,700. So in this class we are going to do just these two questions. Agli class mein hum aur kuch questions practice karenge salary se related.